नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम कर रहे हैं टाइम डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन। हमने 172 क्वेश्चन है कर लिए हैं और इन क्वेश्चंस में जो एसएससी सीजीएल टायर 2 2017, एसएससी सीजीएल 2016 टायर 2, इसके बाद हमने बहुत सारे बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, एसबीआई से रिलेटेड, बहुत सारे कैट से रिलेटेड, आईबीपीएस से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड और भी जो एग्जाम होते हैं सीडीएस है उनके क्वेश्चन काफी कर चुके हैं। आज है वो हम लोग कर रहे हैं, या इनफैक्ट है हमने कैट के जो प्रीवियस ईयर है वो भी किए हैं और आज भी उसी कड़ी में उसको आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ए बोट टेक्स 9 आवर्स टू गो फ्रॉम ए टू बी। एक बोट है जिसको कि 9 घंटे लगते हैं ए से बी जाने में। थ्रो ए मिड पॉइंट सी, बट इट टेक्स 11 आवर्स टू गो फ्रॉम ए टू सी एंड देन रिटर्न्स फ्रॉम सी टू ए। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गो फ्रॉम बी टू ए। क्या स्टेटमेंट है, क्वेश्चन देखिए, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या है कि एक बोट को 9 घंटे लगते हैं ए से लेकर बी जाने में। ए से लेकर बी जाने में कितने घंटे लगते हैं? 9 घंटे लगते हैं। फिर क्या है, एक मिड पॉइंट है सी। मिड पॉइंट क्या है? सी है, और ए से बी जाते हैं तो बीच में मिड पॉइंट आएगा, ये यहां पे बताया जा रहा है। बट इट टेक्स 11 आवर्स, 11 घंटे लगते हैं ए से सी जाने में और वापस सी टू ए जाने में। मतलब कि यहां पे, यहां से लेकर यहां जाने में और वापस आने में कितने घंटे लगे? 11 घंटे लगे। हमें बताना है कि कितना समय लगेगा बी टू ए जाने में, बी से ए जाने में कितना समय लगेगा। यहां से लेकर यहां से बी से ए जाना है तो ये यहां पे कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो देखिए, अगर सीधा जाते हैं ए टू बी कितना घंटे लगते हैं? 9। मिड पॉइंट में 4.5 घंटे लगेंगे, इसका मतलब इसकी कितनी वैल्यू है? 4.5 वैल्यू है। एक दिशा में जाने पे डाउन स्ट्रीम में एक किस्म से वैल्यू कितनी हुई? 4.5। वापस आ रहे हैं तो कितने घंटा लग रहा है? देखो, टोटल 11 जाने और आने में 11 घंटे लगते हैं, तो अब वापस आने में कितना हो जाएगा? 6.5। क्योंकि 6.5 और 4.5 कितना हुआ? 11 हुआ। जाने आने में 11 घंटे लग रहे हैं, जाने में 4.5 है तो आने में 6.5 लगे। इसका मतलब जब इस दिशा में दूरी तय करते हैं तो हाफ दूरी में 6.5 घंटे का समय लगा। हाफ दूरी तय करने में 6.5 घंटे का समय लगा तो पूरी दूरी तय करने में इस साइड तो कितना समय लगेगा? यहां से लेकर यहां तक इसका 2 गुना लगेगा। इसका मतलब 13 आवर्स है समय टोटल लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्या है क्वेश्चन। सिमरन के रो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर एंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। क्या है, इसकी हिंदी बना देता हूं मैं, कि सिमरन है धारा के विपरीत, धारा के प्रतिकूल, उसको 40 किलोमीटर तय करने में और धारा के साथ में 55 किलोमीटर तय करने में क्रमशः कितने घंटे लगते हैं? 13 आवर्स लगते हैं। टोटल कितने लगते हैं? 13 आवर्स लगते हैं। दोबारा, कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जाना है 40 और डाउनस्ट्रीम है 55, तो उसको 13 घंटे लगते हैं। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उसको 10 घंटे लगेंगे। तो बताओ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ सिमरन इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में सिमरन की स्पीड है वो क्या होगी? स्पीड ऑफ सिमरन इन स्टिल वाटर, ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे ये, देखिए, अगर मैं यहां पे लेता हूं, ये अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम है 40 टोटल डिस्टेंस है, और अपस्ट्रीम में ले लेता हूं यू, अपस्ट्रीम में ले लेता हूं यू, और यहां पे 55 है और डाउनस्ट्रीम ले लेता हूं मैं वी। तो अपस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम, टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम कितने लगे? 13 आवर। डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो टोटल क्या होता है? टाइम होता है, तो कितने आ गए? 13 आवर्स। दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में कि 44 लग रहे हैं, 30 लग रहे हैं और कितना लग रहा है? 44 लग रहे हैं। 30 क्या है अपस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम कितना है? 44, और ये आ जाएगा वी, तो ये कितना है? 10 घंटे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, पहले एक चीज उड़ा लो, कैसे उड़ेगी? अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं इस पूरी इक्वेशन को, और ये 4 कैसे कर दूं। आप चाहे तो इस तरह क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वो भी एक ईजी वे पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहें तो कैसे करेंगे फिर, आप देखिए। तो कितना हो जाएगा, ये उड़ जाएगा 4, 120 हो जाएगा, 120 दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये कट जाएगा।
दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे के 55 और यहाँ पे कितना 416, 416 117, तो 176 में से 155 माइनस करेंगे कितना बन रहा है, ये 3/15, 3/15 116, 176 में से 165 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है ना। तो 11 बटे में वी क्या आ जाएगा, 11 बटे में वी, और ये कितना आ जाएगा 13 39 और 10 40, तो एक आ जाएगा, 40 में से 39 गए एक। इसका मतलब क्या है कि v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू है 11 है, v की वैल्यू है 11, और v क्या था, ये डाउनस्ट्रीम था, डाउनस्ट्रीम। तो जो स्टिल वाटर स्पीड क्या होती है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों को जोड़ देंगे और दो से भाग दे देंगे तो स्टिल वाटर स्पीड आ जाएगी। अगर v 11 है तो 11 55, अगर मैं 11 यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो 13 में से 5 गए 8, तो 8 यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 8 से ये कट जाएगा, तो u की वैल्यू 5 आ जाएगी, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, और इसकी 11 थी इसकी 5 थी, दोनों को जोड़ देंगे 11 5 16, 16 बटे में 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो आंसर क्या हुआ 8 आ जाएगा इसका। एक क्वेश्चन को विजुअलाइज करना जरूरी है इसमें, चाहे ऑप्शन से करें या चाहे पूरा मेथड से करें। क्या है कि स्टिल वाटर की स्पीड निकालनी हो तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों को जोड़कर दो से भाग दे देंगे, और यहां पे अगर करंट निकालना होता है तो क्या करते हैं, इन दोनों को डिफरेंस करके दो से भाग दे देंगे तो करंट की स्पीड आ जाएगी। तो ये डाउन, ये स्टील वाटर की स्पीड या करंट की स्पीड निकालनी हो तो आप ये तरीका अपनाएं। अब आ जाता है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दी हुई, यहाँ पे अपस्ट्रीम ये दिया हुआ है किलोमीटर, डिस्टेंस दी हुई है, ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, इसकी वैल्यू कितनी है 13 और इस केस में कितनी है 10 है। इसको हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे इस तरीके से कि एक वैल्यू है वो खत्म हो जाए, तो अगर मैं इसको 3 से गुणा करूंगा, इसको 4 से करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो 55 थी 165 होता है, 44 चौका 176 होता है, इसमें से मैं ये माइनस करूंगा, इसमें से ये माइनस करूंगा, तो क्या ये 40 और ये 43 39 बन रही है, तो एक हो जाएगा, और ये 177 है, 176 है, और ये कितना है 55 × 3 165, दोनों का डिफरेंस कितना 11 आ जाएगा, 11 बटे में v इज इक्वल टू 1, मतलब v की वैल्यू हमारे पास आ गई है 11, डाउनस्ट्रीम ली थी हमने उसकी वैल्यू आ गई है 11। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते थे बताओ डाउनस्ट्रीम की कितनी है, स्पीड क्या है, तो आंसर क्या होता 11 होता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अच्छा ये भी पूछ सकते थे कि डाउनस्ट्रीम हो जाए अपस्ट्रीम बताओ, करंट वाटर स्पीड भी पूछ सकते थे, स्टिल वाटर स्पीड भी पूछ सकते थे, तरीका आप यही अपनाने की कोशिश करो अगर आप मेथड से करना चाहते हैं, वरना ऑप्शन से आप कर सकते हैं। तो क्या है कि अगर यहाँ पे 11 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 13 × 5 8, इसका मतलब u की वैल्यू है, यहाँ पे 8 आएगी तो कट जाएगा, ऊपर 8 है तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया सॉरी 11 आ गया, तो 11 5 16 बटे में 2 11 ये आ गया था और 5 इसकी वैल्यू आ गई थी, जब हमने v की वैल्यू 11 रखी थी, u की वैल्यू कितनी आई थी वो 5 आई, तो 11 5 16 बटे में 2 8 आ गया, तो आंसर क्या होगा इसका 8 होगा। अगर करंट स्पीड पूछते तो क्या होता, क्या निकालते 11 में से 5 गए कितना होता है 6, 6 बटे में 2 3 आ जाता, तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 175 आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन क्या है, मिस्टर भंडारी एंड मिस्टर मेहता लीव टाउन कन्याकुमारी एंड अजमेर एट 6 AM, कि मिस्टर भंडारी और मिस्टर मेहता है कन्याकुमारी को और अजमेर को सुबह 6 बजे छोड़ देते हैं, 6 बजे निकलते हैं और ट्रेवल टुवर्ड अजमेर एंड कन्याकुमारी, एक दूसरे के अपोजिट में ट्रेवल कर रहे हैं। भंडारी की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और मिस्टर मेहता की जो स्पीड है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। रजत है वो कन्याकुमारी, एक तीसरा बंदे की एंट्री होती है यहाँ पे, रजत की कन्याकुमारी से स्टार्ट करता है वो अजमेर की तरफ जाता है और कुछ समय के बाद में क्या है वो मिलता है, किससे मिलता है आगे मिले देखते हैं, ट्रेवल करता है कुछ समय तक, ट्रेवल किया उसने और किस गति से ट्रेवल किया 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेवल किया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन कन्याकुमारी एंड अजमेर, अगर कन्याकुमारी और अजमेर की जो डिस्टेंस है वो 1080 किलोमीटर है और तीनों एक बिंदु पे मिलते हैं आफ्टर सम टाइम, तो बताना है कि रजत है उसने कन्याकुमारी को किस टाइम है छोड़ा था, कन्याकुमारी को रजत ने किस टाइम छोड़ा था। आपने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन ज्यादातर यही आए कि दो बंदे ट्रेवल करते हैं, अब तीन बंदों की एंट्री आ गई है यहाँ पे, तीसरे की एंट्री आ गई है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, कन्याकुमारी यहाँ पे लिख लेते हैं हमें कन्याकुमारी और यहाँ पे क्या है अजमेर, इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, इनके बीच की दूरी है 1080 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर के बीच की दूरी है। अब एक की स्पीड भंडारी की है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड है मेहता की वो 100
20 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों की एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं और वो उधर कर रहे हैं, किस बिंदु पे मिलेंगे वो देखिए, कितनी देर मिलेंगे, 120 प्लस 60 कितना, 180 रिलेटिव स्पीड हो गई, 1080 बटे में 180, 18 छक्का 108। इसका मतलब क्या है कि 6 घंटे के बाद में वो यहाँ पे पहुंच जाता है, 6 घंटे के बाद में क्या है यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो 6 घंटे में कितना ट्रेवल किया इसने, इसने 360 किया, और इसने कितना किया, इसने 6 घंटे 1272 720 ट्रेवल किया, इसका मतलब यहाँ बिंदु पे पहुंच गए। अब कन्याकुमारी से क्या है, एक बंदा और चलता है और 90 किलोमीटर की गति से चलता है, 90 किलोमीटर की गति से चलता है, कितना ट्रेवल करेगा फिर वो यहाँ पे मिलने के लिए तीनों से, तीनों कब मिलेंगे जब 360 वो ट्रेवल कर लेगा, तो 90 की गति से 4 घंटे में उसने ट्रेवल किया है, 4 घंटे में ट्रेवल किया और तीनों एक ही टाइम पे मिलते हैं, एक ही टाइम मिलते हैं। तो इसका मतलब 4 घंटे अगर मैं माइनस कर दूं इस टाइम से, इस टाइम से मैं माइनस कर दूं तो वो किस बजे चले है वो निकल आ जाएगा, निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 6 घंटे में पहुंचा, ये 4 घंटे में पहुंच रहा है, इसका मतलब इससे 2 घंटे बाद स्टार्ट किया है। अगर ये 6 बजे चलता है तो 6 घंटे 60 की गति से 360 चला, और ये क्या है कि 8 बजे चलता है, 8 बजे चलता है और 4 घंटे में 90 की गति से 360 चला। तो इसका मतलब 8 4 12 बजे तीनों मिलेंगे, ये 4 घंटे चलेगा, 8 बजे से उसने स्टार्ट किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 176 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कैटरीना सिटिंग इन ए ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर, कैटरीना है वो कोई ट्रेन की लंबाई एल मीटर है उसमें बैठी हुई है, और जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दो ब्रिजेस को क्रॉस करती है, दो ब्रिजेस को क्रॉस करती है, दो पुलों को। Notices that she crosses the first bridge and the second bridge in time interval which are in the ratio 7:5:5. कि पहले ब्रिज को और दूसरे ब्रिज का जो रेशियो है टाइम इंटरवल का वो 7:5:5 है क्रॉस करने का। इफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट ब्रिज, अगर पहले ब्रिज की जो लेंथ है वो 280 मीटर है तो दूसरे ब्रिज की लेंथ है वो कितनी होगी। तो देखने में बड़ी स्टेटमेंट लग रही है, बहुत ही इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। 7:5:5, 7:5:5 के ये टाइम इंटरवल है, मतलब कि इसको 7 अगर मिनट लगे हैं उसको 5 मिनट लगे हैं क्रॉस करने में। तो अगर इसकी लंबाई 280 मीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसको ज्यादा समय लगा है, स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड तो कांस्टेंट है, तो ज्यादा समय लगा है तो ये क्या है 40 यूनिट आ गई की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 40 आ गई, तो 5 यूनिट कितनी हो जाएगी 240 से उसको गुणा करूंगा मैं 200, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे टाइम वेरी कर रहा है, वो क्या है 7:5 में, तो 40 × 5 ये अगर 200 मीटर है तो ये कितना है 280 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा 200 मीटर है सेकंड ब्रिज की लंबाई, तो आंसर बी हो, डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है ये, ए बस क्रॉसिस अरुण हु इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, क्या है कि बस क्रॉस करती है अरुण को जो कि सेम दिशा में जा रही है, बस भी उसी दिशा में और अरुण भी उस दिशा में, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 सेकंड में उसको क्रॉस कर देती है बस। इट ट्रेवल फॉर हाफ एन आवर फ्रॉम टाइम इट स्टार्ट ओवरटेकिंग द अरुण बिफोर इट स्टार्ट ओवरटेकिंग द चारू कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन इन 24 सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या दिया हुआ है, इसी लाइन को समझना इस क्वेश्चन की मेन चीज है, आप समझने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं आगे और पढ़ देता हूँ। इन हाउ मच टाइम After the bus has crossed the Charu, do the Arun meets to Charu? कहने का मतलब है कि यहाँ पे बस थी, दोनों ने साथ चलना स्टार्ट कर दिया, अरुण भी इस दिशा में जा रहा है और बस भी इस दिशा में जा रही है, अरुण भी इस दिशा में जा रहा है, बस भी दिशा में जा रही है। अरुण को वैसे बस है वो 36 सेकंड में क्रॉस कर देती है, अरुण को बस है 36 सेकंड में क्रॉस कर देती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इस लाइन को, इट ट्रेवल फॉर द हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम इट स्टार्ट ओवरटेकिंग, कि जब से ये स्टार्ट करती है ओवरटेकिंग करना, किसको ओवरटेकिंग करना, अरुण को ओवरटेक करना, तब से लेकर ये 30 मिनट तक चलती है, 30 मिनट तक चलती है, और कब तक चलती है, स्टार्ट ओवरटेकिंग अरुण बिफोर इट स्टार्ट ओवरटेकिंग द चारू, चारू यहाँ पे है, चारू को ओवरटेक करने से पहले, और चारू क्या इस दिशा में चल रही है, हालांकि वो अपोजिट दिशा में चल रही है, चारू को वो 24 सेकंड में ओवरटेक कर सकती है, ये बस क्या है कि चारों अगर इस दिशा में चले और बस इस दिशा में चले तो 24 सेकंड में इसको ओवरटेक कर देगी,
लेकिन ये 30 मिनट कौन से हैं, जो चारू को ओवरटेक करने से पहले है और अरुण को जब ओवरटेक करना स्टार्ट किया है तब से लेकर ये 30 मिनट का समय है। 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, 60 से गुणा कर दूं 1800 सेकंड, क्योंकि ज्यादातर यहाँ सेकंड में बात हो रही है इसलिए सेकंड लिख दिया मैंने। इन हाउ मच टाइम आफ्टर द बस हैज क्रॉस द चारू डू द अरुण मीट टू चारू, कि अगर ये बस चारू को क्रॉस कर दे तो उस समय के बाद जब क्रॉस कर दे बस चारू को तो अरुण और चारू आपस में कितने सेकंड में मिलेंगे, आपस में कितने सेकंड में मिलेंगे। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, हार्ड लेवल है क्वेश्चन का, इसको ध्यान से समझने की और करने की कोशिश करें, थोड़ा टाइम ले सकते हैं इसमें। अब मैं करता हूं इसको, देखिए ध्यान से, कि मान लो बस की लंबाई है वो एल है, बस की लंबाई एल है तो एल और बस है उसकी स्पीड है बी और अरुण की स्पीड ए है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी बी माइनस ए और यहाँ पे एल है वो स्पीड ऑफ है बस है, जैसे स्पीड लेंथ ऑफ बस है जैसे कि लेंथ ऑफ ट्रेन हम लेते थे, तो कितने समय में क्रॉस कर देती है सेम दिशा में, वो 36 में कर देती है। दूसरी इक्वेशन क्या है कि एल है और यहाँ पे चारू है, बस है और परस में क्या है चारू है, अपोजिट दिशा में ये क्या है सेम दिशा में थे, कितने सेकंड में क्रॉस कर देती है 24 में कर देती है, दिशा में कितनी देर में कर देती है 24 सेकंड में। अगर दोनों को मैं रेशियो ले लूं, मतलब कि दोनों को भाग दे दूं मैं, जिससे कि एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी प्लस में सी, क्योंकि ऊपर चला जाएगा ना बी प्लस सी और बी माइनस ए आ जाएगा यहाँ पे, और वो किसके बराबर हो जाएगा 36/24, 36/24 कितना 3/2, 36/24 कितना होता है 3/2, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा 2b प्लस में 2c इज इक्वल टू 3b और माइनस 3a, ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा b है वो 3a और प्लस में 2c के बराबर है, b कितना हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है 3a प्लस में 2c इज इक्वल टू b, ये निकल कर आ गया है जो इनकी रिलेटिव डिस्टेंस है उसकी वजह से। अब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये इसका इस्तेमाल करते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 1800 सेकंड में, 1800 सेकंड का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, तो क्या है देखिए कि 1800 सेकंड, 1800 सेकंड और इनटू इनटू क्या है बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या है रिलेटिव स्पीड बस और अरुण की, जो कि सेम दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं 18 सेकंड में, ये 30 सेकंड 30 मिनट का बात थी ना यहाँ पे, ये कौन सी डिस्टेंस आई, ये टाइम इनटू रिलेटिव स्पीड, टाइम इनटू रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ये डिस्टेंस हो गई, और ये डिस्टेंस कौन सी है जो 30 मिनट की डिस्टेंस है वो वाली है जो चारू को क्रॉस करने से पहले है, चारू को क्रॉस करने से पहले, लेकिन हमें पूछा कौन सा है कि चारू को क्रॉस कर दे वो बस तब अरुण और उसके बीच में कितना समय में वो ट्रेवल कर देंगे, तो यहाँ पे जो चारू को क्रॉस करने में जो समय लगेगा, चारू को क्रॉस करने में जो समय लगेगा, ठीक है। अब हमें ये देखो यहाँ जो मतलब है ना एक्चुअल में, अब वो इधर से अरुण भी चल रहा है, इधर से चारू भी चल रही है, इधर से अरुण भी चल रहा है, चारू भी चल रही है, 24 सेकंड में क्रॉस होती है, तो इसका मतलब 24 सेकंड में ये दूरी तय करेंगे, कुछ 24 सेकंड में कुछ दूरी तय करेंगे, तो 24 सेकंड में ये कितनी दूरी कर देगा, चारू कर देगी सी, उसकी रिलेटिव स्पीड 24 सेकंड में 24 सी हो जाएगा, और यहाँ पे 24 सेकंड में अरुण कितना कर देगा 24 ए, से टाइम इनटू स्पीड क्या हो जाएगा डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस से ट्रेवल हो गई है, जैसे वो बस क्रॉस करेगी 24 सेकंड में तो चारू इस साइड आ गई है कितनी 24 ए और अरुण किस साइड, इस साइड आ गए 24 सी चारू इस साइड आ गई है और अरुण क्या है 24 ए साइड आ गए, तो हमने क्या है कि जो ये डिस्टेंस 30 मिनट में बन रही थी उसमें से दोनों माइनस कर दिया क्योंकि ये अब कम हो गई है डिस्टेंस, अब एक्चुअल में क्या है ये डिस्टेंस आ गई है 1800 आ गई है और ये टोटल कितना आ गई है डिस्टेंस आ गई है, टोटल डिस्टेंस आ गई है और उनकी जो टोटल स्पीड है किसकी, रिलेटिव स्पीड अपोजिट दिशा में ए प्लस सी, किसकी अरुण और चारू की, रिलेटिव स्पीड अपोजिट दिशा में है तो अगर उससे भाग दे देंगे ए प्लस सी से, इसको मैं ए प्लस सी से भाग दूं तो क्या आ जाएगी सेकंड आ जाएगा, क्या आ जाएंगे सेकंड आ जाएगा, कितने सेकंड में क्रॉस हुई है। अब देखिए बी की वैल्यू तो यहाँ पे दी हुई है कितना 3a + 2c, अगर बी की जगह मैं ये रख दू 3a + 2c तो देखिए 1800 और मैंने यहाँ पे रख दिया 3a और प्लस 2c, तो ए 3a + 2c मैं रखूंगा यहाँ पे तो माइनस ए है तो इसका 2a + 2c हो जाएगा, 2 में कॉमन ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, 2 में कॉमन ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा बाहर और a + c आ जाएगा अंदर, a + c यहाँ पे अंदर आ गया है
और यहां पे क्या है, ए प्लस सी में 24 कॉमन ले लेता हूं और ए प्लस सी अंदर आ गए, 24 कॉमन ले लिया, ए प्लस सी अंदर आ गया, और नीचे क्या है ए प्लस सी से भाग देना है, हमें ए प्लस सी से भाग देना है, तो थ्री ये कितना आ जाएगा, ए सी कॉमन आ जाएगा, ए प्लस सी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे ए प्लस सी कॉमन आ गया, नीचे भी ए प्लस सी है, और 3600 माइनस 24 कितना हो जाएगा 35, 3576 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3576 है डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड, तो क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा, आंसर क्या हुआ सी इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन है और ये लाइन समझना इंपॉर्टेंट है, वो काफी आपको क्वेश्चन को डिसाइड करेगी, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कल्पना एंड संजय स्टार्ट फ्रॉम कीर्ति नगर एंड वाधवा स्ट्रीट टुवार्ड्स वाधवा स्ट्रीट एंड कीर्ति नगर रेस्पेक्टिवली, बहुत एट द सेम टाइम क्या दिया हुआ है कि कल्पना, थोड़ी कंफ्यूजिंग सी लाइन है, कल्पना एंड संजय स्टार्ट फ्रॉम कीर्ति नगर एंड वाधवा स्ट्रीट, यहां पे मैं कीर्ति नगर लिख देता हूं, कीर्ति नगर, और ये वाधवा स्ट्रीट है, वाधवा स्ट्रीट, ठीक है, और कौन कौन है, एक कल्पना है, यहां पे कल्पना ने स्टार्ट किया और यहां पे क्या किसने, संजय ने स्टार्ट किया, ये संजय है, टुवार्ड्स ईच अदर, और ईच अदर का मतलब कि ये कीर्ति नगर जा रहा है, टुवार्ड्स वाधवा नगर, ये वाधवा नगर की तरफ है और ये कीर्ति नगर पे तरफ है, सेम टाइम उन दोनों ये स्टार्ट करते हैं ये जर्नी, सेम टाइम स्टार्ट करेंगे जर्नी। आफ्टर दे मीट एट द शांति नगर ऑन द वे फ्रॉम द कीर्ति नगर टू वाधवा स्ट्रीट, कि जो कल्पना है, कल्पना है वो जब वो आपस में मिल जाते हैं उसके बाद में, ये उधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, यहाँ पे मान लो मिल गए, और ये क्या है शांति नगर है, यहाँ पे मीटिंग पॉइंट को ये बोल रहे हैं कि शांति नगर है वहां, उसके बाद कल्पना है अपनी स्पीड को रिड्यूस कर देती है, कितनी 33.33 मतलब कि 1/3 रिड्यूस कर देती है, और एंड रिटर्न बैक टू कीर्ति नगर एंड संजय, संजय इंक्रीज स्पीड, ये इंक्रीज कर देता है अपनी स्पीड को, इंक्रीज स्पीड बाय 33.33 एंड रिटर्न बैक टू वाधवा स्ट्रीट। इफ कल्पना टेक्स 2 आवर्स फॉर द इंटायर जर्नी व्हाट इज द टाइम टेकन बाय संजय फॉर द इंटायर जर्नी, कि कल्पना को पूरा 2 घंटे लगते हैं जर्नी को कंप्लीट करने में, मान लो इनकी जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड है कल्पना की केस ले रहा हूं मैं, कल्पना की इनिशियल स्पीड है ये, और बाद में क्या है कि न्यू स्पीड है, लेटर स्पीड है, इनिशियल स्पीड अगर पहले 3 थी तो 1/3 रिड्यूस हो रही है, मतलब कि 1 रिड्यूस हो गई, 3 थी तो 2 बच गई, अब नई स्पीड 2 नहीं सॉरी जो पहले ये स्पीड है ना, हाँ पहले 3 स्पीड थी अब 2 स्पीड हो गई है, तो टाइम क्या अपोजिट हो जाता है, तो पहले 2 घंटे लग रहे थे अब वो, पहले 2 मिनट लग रहे थे अब 3 मिनट लगेंगे, अब 2 मिनट लग रहे थे अब 3 मिनट लगेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि 5 यूनिट टोटल, 5 यूनिट टाइम है, 5 यूनिट किसके बराबर, अगर 5 यूनिट है तो जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, 5 यूनिट अगर जर्नी कंप्लीट हो जाएगी तो ये बोल रहे हैं 2 घंटे में पूरी जर्नी कंप्लीट करते हैं, तो 5 यूनिट है कल्पना की वो किसके बराबर है 2 घंटे की, 2 घंटे का मतलब क्या हुआ 60 से गुणा कर देंगे 120 मिनट के बराबर है, 5 यूनिट 120 यूनिट के बराबर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे कितने है, क्योंकि मिलते क्या इनिशियल जब वो 2 यूनिट ट्रेवल करेगा तभी तो मुलाकात होगी ना, मिलने के बाद चेंज हो रही है, तो मिलते टाइम में उसने कितना समय लिया, 5 यूनिट की वैल्यू 120 है, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितना, 120/5 × 2 24 × 48 48 मिनट है, इसका मतलब क्या हुआ 48 मिनट के बाद में मुलाकात होती है, 48 मिनट के बाद में मुलाकात होती है, तो संजय यहाँ पे पहुंच गया जहां पे मीटिंग पॉइंट है शांति नगर है, वहां पे भी संजय पहुंच गया, अब संजय को आगे की दूरी तय करनी है, और संजय की स्पीड क्या है कि वो बढ़ गई है, पहले संजय है 3 की गति से जा रहा था संजय, अब ये संजय का हिसाब किताब है, 3 गति से जा रहा था अब 4 की गति होगा क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ गई है 1/3 पे, तो टोटल अब संजय कितनी होगी न्यू स्पीड हो जाएगी 4, संजय की न्यू स्पीड 4 हो जाएगी, तो समय कितना है अब वो उल्टा हो जाएगा 4 और 3, पहले अगर 4 मिनट ले रहा था तो अब वो 3 मिनट लेगा, ये 4 यूनिट है ये 3 यूनिट है, तो पहले क्या है जितना ट्रेवल किया उसने 4 यूनिट, बाकी का ट्रेवल कितना करेगा, कहने का मतलब 40 किसके बराबर है, 4 यूनिट के बराबर, 48 चार यूनिट के बराबर है, तो 3 यूनिट के बराबर कितना होगा, 3 यूनिट के बराबर हो जाएगा 36 हो जाएगा, 3 यूनिट है, 4 यूनिट इज इक्वल टू 48, 3 यूनिट विल बी इक्वल टू 36, अब 36 है इसका मतलब मिनट टाइम लिया है क्रॉस करने के बाद में, और पहले कितना लिया था 48, तो 48 प्लस में 36 कितना हुआ 8 से 14
और 4 3 7 1 8 84 मिनट का समय टोटल लगा है संजय को ये पूरी दूरी करने में, कंप्लीट जर्नी करने में। अगर उसको 120 मिनट लगे हैं तो संजय को 84 मिनट लगे हैं, क्योंकि 48 तो दोनों का स्टार्टिंग सेम था और क्योंकि इसका टाइम है वो कम हो गया है क्योंकि इंक्रीज हुआ है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 48 है, 3 यूनिट की हो जाएगी 36, इनको जोड़ दिया हमने। इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन आ जाइए, काफी लंबी स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, काफी लंबी स्टेटमेंट क्वेश्चन की। देखिए जो कैट में क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट काफी लंबी होती है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते। ड्यू टू द टेक्निकल स्नैग इन द सिग्नल सिस्टम टू ट्रेन स्टार्ट अप्रोचिंग ईच अदर ऑन द सेम ट्रैक फ्रॉम टू डिफरेंट स्टेशन, कि सेम ही ट्रैक पे दोनों ट्रेनें हैं चलना स्टार्ट कर देती है, टेक्निकल ग्लिच आ गया जिसकी वजह से दोनों ट्रेनें हैं सेम ट्रैक पे चलना स्टार्ट कर देती है। 240 किलोमीटर है ईच अदर, दो ट्रेनें हैं एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पे है और एक ही ट्रैक पे चलना स्टार्ट कर देते हैं। When the train starts, a bird also starts moving to and fro between the two trains at 60 km per hour, touching each train each time. कि एक जैसे ही स्टार्ट किया एक ट्रेन के ऊपर एक पक्षी बैठा था, उसने भी चलना स्टार्ट कर दिया था और उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और वो क्या है जाता है और आता है दोनों ट्रेनों के बीच में, वो ऐसे चक्कर काट रहे हैं इस तरह से ऐसे चक्कर काट रहे हैं दोनों ट्रेनों के बीच में, ठीक है। और वो कब तक काटते थे, बर्ड इज इनिशियली सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द इंजन ऑफ वन ऑफ द ट्रेन एंड मूव्स सो टिल दीज टू ट्रेन्स कोलाइड, जब तक कि दोनों ट्रेनों की भिड़ंत नहीं हो जाती तो वो पक्षी है वो चक्कर काटता रहता है। इफ दीज ट्रेन कोलाइड 1.5 आवर, एक डेढ़ घंटे के बाद में स्टार्ट होने के दोनों ट्रेन है आपस में कोलाइड कर जाती है, दोनों ट्रेन क्या है कि कोलाइड कर गई यहाँ पे एक्सीडेंट हो गए, देन हाउ मेनी किलोमीटर बर्ड ट्रेवल टिल द टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ ट्रेन, कि बताइए कि इस जो पक्षी है ना उसने कितनी दूरी तय की। तो क्या है, देखो बहुत आसान आंसर है, क्वेश्चन बहुत लंबा खींचा हुआ था लेकिन कई बार इस तरह क्वेश्चन आते हैं जिससे कि बच्चे कई बार स्टेटमेंट देखकर भाग जाते हैं। तो 60 किलोमीटर की गति से डेढ़ घंटे में वो कितना जाएगा, वो जाएगा 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर इसका मतलब क्या है कि पक्षी ने ट्रेवल किया, यहाँ पे समय दिया हुआ है साथ में, समय कितना है डेढ़ घंटा, तो डेढ़ घंटे में तो वो 60 किलोमीटर की गति से जा रहा है तो 90 किलोमीटर जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या है, राम एंड श्याम टू फ्रेंड्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, कि एक दूसरे के तरफ है दो फ्रेंड जा रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 56 किलोमीटर एंड देयर स्पीड्स आर 3 और 4 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, उनके बीच की जो दूरी है वो 56 किलोमीटर है और जो उनकी स्पीड है वो 3 और 4 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली है प्रति घंटा। द डॉग ऑफ राम स्टार्ट, अब होता क्या है यहाँ पे, जैसे 56 किलोमीटर की दूरी है, ये राम है यहाँ पे और ये श्याम है, ये 3 किलोमीटर की गति से जा रहा है, ये 4 किलोमीटर की गति से जा रहा है, ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, राम का डॉग है वो भी साथ में है और वो भी दौड़ना स्टार्ट कर देता है, किस दिशा में, रिवर्स इस डायरेक्शन ऑन रीचिंग श्याम एंड कंटिन्यू टू रन बिटवीन देम, कि जैसे यहाँ पे गया वापस मुड़ गया, वैसे गया वापस मुड़ गया, इस तरह से करके जैसे जैसे ये चलते रहेंगे इनके बीच में ऐसे दौड़ लगाता रहेगा। और इफ द स्पीड ऑफ डॉग, अगर डॉग की स्पीड 25 किलोमीटर है तो फाइंड द डिस्टेंस दैट डॉग कवर्ड बिफोर मीटिंग ऑफ द राम एंड श्याम, कि जब राम और श्याम मिल जाएंगे उस टाइम तक डॉग ने कितनी दूरी तय कर ली होगी, कितनी दूरी तय कर ली होगी हमें बताना। तो 3 किलोमीटर गति 4 किलोमीटर गति, रिलेटिव स्पीड क्या है ऐड हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो 56 किलोमीटर है 7 की रिलेटिव स्पीड हो 3 + 4 = 7, तो इसका मतलब 8 घंटे में वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे और 8 घंटे में कुत्ता कितना दौड़ लेगा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो दौड़ेगा, तो 25 × 8 के 200 किलोमीटर तक वो चलेगा, तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो 200 किलोमीटर की दूरी है तय कर रहा है, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 181, इफ ए बस इज मूविंग बिटवीन दिल्ली एंड पटना एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, क्या है कि एक बस है जो दिल्ली, यहां पे दिल्ली है तो यहां पे पटना है, इन दोनों के बीच में एक बस चलना स्टार्ट करती है और किस गति से जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, डिस्टेंस दोनों स्थानों के बीच में जो दी हुई है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस दोनों स्थानों के बीच में दी हुई है।
after 21 hours, what will be the distance between Delhi and its position if it starts from Delhi? यहाँ पे बताना है कि दिल्ली और 8 घंटे में बताना है कि 21 घंटे में जहां पे ये पहुंचेगी उससे और दिल्ली की दूरी है वो कितनी दूर होगी, ये डिस्टेंस हमें बताना है 21 आवर्स के बाद में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 480 और 80 की स्पीड है, इसको मतलब 6 घंटे में वो पहुंच जाती है, पटना पहुंच जाती है, 6 घंटे में पटना पहुंची, फिर 6 घंटे में दिल्ली पहुंची, फिर पटना पहुंची, फिर दिल्ली पहुंच रही थी, तो कितना हुआ 18 घंटे तो ये हो गए, 18 घंटे तो ये हो गए, इसका मतलब 18 घंटे में वो पटना पहुंच रही थी, पहले पटना पहुंची, यहाँ पे पटना पहुंची, फिर दिल्ली पहुंची और फिर पटना पहुंची, पटना में है अब ट्रेन, 18 घंटे हो चुके हैं। अब अगले 3 घंटे में, 3 घंटे में कितना ट्रेवल होगा, 80 × 3 240 हो जाएगा। ठीक है, 240 ट्रेवल इस साइड कर दिया, अब बाकी कितना बचा, 480 था, 240 माइनस कर देंगे तो 240, मतलब कि मिडिल में है वो ट्रेन, यहाँ पे बाकी कितना बच गया, ये ट्रेन बच गया 480 माइनस 240, तो कितना होता है 240, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 240 है इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 82 है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए क्या है, इन ए सिटी व्हाइल वॉकिंग अंशुमन ऑब्जर्व दैट इन एवरी 20 मिनट्स देयर इज अ सिटी बस कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू हिम एंड एवरी 30 मिनट्स देयर इज अ सिटी बस ओवरटेकिंग हिम फ्रॉम द बिहाइंड। क्या है कि अंशुमन चल रहा है, यहाँ पे अंशुमन चल रहा है ऐसे करके, और पीछे से बस आती है और वो ओवरटेक करती है, बस आती है और 20 मिनट में आती है। इन ए सिटी वाइल वॉकिंग अंशुमन ऑब्जर्व दैट इन एवरी 20 मिनट देयर इज अ सिटी बस कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू हिम, अपोजिट दिशा में, मतलब कि यहां से अपोजिट दिशा में आ रही है, यहां से आ रही है और वो भी चल रहा है, वो मान लो एक ही गति से चल रहा है, वो मान लो एक ही गति से चल रहा है, तो बस आ रही है इस साइड से, और इन एवरी थर्टी मिनट देयर इज अ बस सर्विस ओवरटेकिंग हिम फ्रॉम द बिहाइंड, कि बस है ओवरटेक कर रही है उसको, बस ओवरटेक कर रही है, कब कर रही है, 30 मिनट में उसको ओवरटेक कर रही है, 20 मिनट में उसकी दिशा में आ रही है, 20 मिनट में उसकी दिशा में आ रही है, 30 मिनट में उसको टैग कर रही है, वो एक ही गति से मान लो चल रहा है। व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन द वन सिटी बस पासिंग ए स्टेशनरी पॉइंट, क्या है कि व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन वन सिटी बस पासिंग ए स्टेशनरी पॉइंट नोन एज लोकल बस स्टैंड बिसाइड द बस रूट एंड इमीडिएटली नेक्स्ट सिटी बस इन द सेम डायरेक्शन पासिंग द स्टेशनरी पॉइंट, कि एक सिटी बस है उस यहाँ पे चल रही है और दूसरी सिटी बस है उसको वो क्रॉस करेगी, कितने समय में, सेम दिशा में, उस पॉइंट को मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे बस स्टैंड है, यहाँ से बस निकल गई है, अब वो बस कितनी देर के बाद एक और आएगी वहां पे, वो डिस्टेंस है, वो टाइम है, वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप कर पाएंगे। देखो स्पीड ऑफ बस, यहाँ पे स्पीड ऑफ बस मैं ले लेता हूं, क्या है स्पीड ऑफ बस, वो ले लेता हूं मैं एस मीटर पर मिनट, और टाइम इंटरवल, क्योंकि टाइम निकालना है ना, मैं टाइम इंटरवल ले लेता हूं मैं टी, क्या है टाइम इंटरवल जो हमें निकालना है, तो एस स्पीड इंटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस को मैं स्पीड से भाग देता हूं, क्या रिलेटिव स्पीड, एस प्लस ए, ए क्या है अरुण की स्पीड है और एस क्या स्पीड ऑफ बस, इन दोनों का अगर मैं जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं क्योंकि सेम दिशा में है, सॉरी इन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है ना, तो कितनी देर में क्रॉस कर रही है 20 मिनट में, अपोजिट दिशा में 20 मिनट में क्रॉस कर रही है। दूसरी इक्वेशन क्या है कि स्पीड इनटू टाइम इंटरवल डिस्टेंस है, स्पीड इनटू टाइम इंटरवल डिस्टेंस है जो, और वो जो डिस्टेंस है अपोजिट दिशा में एस माइनस ए कितने समय में क्रॉस हो रही है, वो हो रही है 30 मिनट में वो ओवरटेक हो रही है, कि हर बस आ रही है 30 मिनट में उसको क्रॉस कर रही है, ओवरटेक कर रही है किसको, अंशुमन को। ये आ गई है दो सिचुएशन, ये क्या, ये मिनट है, ये स्पीड पर मिनट है, ये टाइम इंटरवल है जो कि मिनट में है, और यहाँ पे एक इक्वेशन ये बन गई है। अगर मैं इन दोनों को भाग दे दूं जिससे क्या है कि ऊपर आ जाएगा एस माइनस ए और नीचे आ जाएगा एस प्लस में ए इज इक्वल टू टू बाई थ्री
3s माइनस 3a इज इक्वल टू 2s प्लस में 2a, तो क्या हो जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगी 5a, s बाय a हो जाएगा 5 बाय 1, मतलब s की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू 1 होगी। s की वैल्यू 5 लिखूंगा मैं और इनटू t करूंगा और s की वैल्यू 5 और प्लस में 1 इज इक्वल टू 20, मतलब किया कट जाएगा 5 चौक 20 और ये 6 6 चौक 24, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। तो जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम इंटरवल है वो कितना है 24 मिनट, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, 24 मिनट टाइम इंटरवल है, बी इसका आंसर हो जाएगा। एक बार खुद करके देखेंगे इसको तो और ज्यादा क्लैरिटी होगी कि क्वेश्चन क्या था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी देखिए क्या दिया क्वेश्चन में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A policeman fired two bullets at an interval of 335 second, moving at a uniform speed. क्या दिया हुआ है कि एक policeman है, उसने दो bullet है, दो उसने गोलियां चलाई और जो interval था गोलियों चलाने का 335 second का था, 335 second का interval पे उसने गोली चलाई। A thief was running ahead of the policeman in the same direction, कि एक चोर है वो same दिशा में जा रहा था, मतलब यहाँ पे पुलिस वाला था और चोर इस साइड में, इस साइड जा रहा है पुलिस वाला भी और चोर भी इस साइड जा रहा है, उसने गोलियां चलाई और फिर क्या होता है, हेयर द टू शॉट्स एट एन इंटरवल, वो जो चोर है उसको सुनाई देता है 330 सेकंड के इंटरवल के बाद में दो शॉट सुनाई देते हैं और उसने चलाई कितनी 335 की गति से। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 1188 किलोमीटर पर आवर, देन हु इज फास्ट एंड बाय हाउ मच। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन देखिए, वो ध्यान से समझने क्वेश्चन की जरूरत है कि पुलिस वाले ने जो दो गोलियां चलाई 335 सेकंड के इंटरवल पे, वो इसका मतलब पुलिस वाला भी चल रहा है, जब पुलिस वाला चल रहा है तो इस पुलिस वाला थोड़ी ज्यादा तेज गति से चलेगा, पुलिस वाला फास्टर होगा, तभी क्या है कि वो जो सुनाई दे रहा है ना उसको, उसका जो ड्यूरेशन है इनके बीच में जो वो कम है, टाइम लैप्स हो जाएगा। किसकी वजह से टाइम लैप्स हो रहा है, किसकी वजह से टाइम कम हो रहा है, क्योंकि वो पुलिस वाला है ना उसकी स्पीड की वजह से हो रहा है, ये कम स्पीड पे चल रहा है और ये जैसे उसने पहली चलाई फिर दूसरी चलाई इतने इंटरवल पे, तो उसको जो सुनाई दे रहा है वो थोड़े कम टाइम में सुनाई दे रहा है, कम टाइम में सुनाई दे रहा है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि स्पीड ऑफ पुलिसमैन है उसकी ज्यादा थी, पुलिसमैन की स्पीड है वो ज्यादा थी, या दूसरे से अगर वो बहुत ही तेज गति से चलता, बहुत ही तेज गति से चलता पुलिसमैन, तो यहाँ पे जब वो फायर करता, यहाँ पे फायर कर दिया था उसने और जितनी तेज गति से जा रहा है वो, इसका मतलब तो क्या है कि और भी कम समय में उसको सुनाई देता, उसकी जो ड्यूरेशन है इंटरवल है वो और भी कम हो जाती ना अगर और भी ज्यादा स्पीड होती तो। तो इसको लाइन को आपको खुद समझना है कि कैसे इसको समझेंगे। एक तो ये बात होगी पुलिस वाले की स्पीड है वो ज्यादा थी, अब देख लेते हैं रिलेटिव स्पीड क्या बोल रही है। ये एक 335 सेकंड ले रहा है, 335 सेकंड, और दूसरे में कितना है 330 सेकंड, तो 330 और 35 ये क्या है टाइम है, स्पीड क्या होगी, स्पीड का उल्टा हो जाता है, तो 330 है और यहाँ पे 335 है, यहाँ पे 335 है, मतलब कि 66 और 67 के रेशियो में स्पीड है, 66 और 67 के रेशियो में स्पीड है। 66 की जो यूनिट है उसकी वैल्यू ज्ञात कितने दिए यहाँ पे 1188 दी गई है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66 से भाग दे दिया इसको, 66 से भाग दे दिया तो कितना 18 से कट जाएगा, 18 6 108 और 10 118 आ जाएगा। इसका मतलब डिफरेंस है ना वो जो इन दोनों की स्पीड का वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर इसका सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा समझकर ढंग से करने की खुद कोशिश करना, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं इस तरह क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ए हंटर फायर टू शॉट्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री एट एन इंटरवल ऑफ 76 सेकंड। ए टाइगर सेपरेटिंग टू फास्ट हियर द टू शॉट्स एट एन इंटरवल ऑफ 83 सेकंड। If the velocity of sound is 1195.2 km per hour, then find the speed of tiger. Tiger की speed बतानी है, क्या है कि एक शिकारी बैठा है और उसने दो शॉट फायर कर दिए, इसका मतलब शिकारी नहीं चल रहा है अब, क्या है कि उसने दो शॉट फायर कर दिए। पहले वाले क्वेश्चन में तो कोई पहले वाला भी बंदा चल रहा था, दूसरा भी चल रहा है, यहाँ पे वो स्थिर है,
ठीक है, वहां से उसने दो शॉट फायर किए और उसके बाद क्या है, किस इंटरवल पे, 76 सेकंड के इंटरवल पे दो फायर किए। टाइगर सेपरेटिंग टू फास्ट हियर द टू शॉट्स एट एन इंटरवल ऑफ 83 सेकंड। टाइगर भी दौड़ रहा है और टाइगर दौड़ते दौड़ते है वो स्पीड सुनता है दोनों के बीच की 83 सेकंड है। इसका मतलब क्या, टाइगर की स्पीड ज्यादा है, टाइगर की स्पीड है वो आगे चल रही है, मतलब एक दिशा में। देखिए अब यहाँ पे कि अगर ये बुलेट है, ठीक है, बुलेट है, यहाँ पे जो टाइम है वो कितना सेकंड है, 76 सेकंड का है। बुलेट का टाइम कितना है, 76 सेकंड का है। और बुलेट प्लस में, बुलेट तो ट्रेवल कर रही है लेकिन साथ में क्या है कि बुलेट की साउंड के साथ में टाइगर है उसकी स्पीड भी है। अब वो इंटरवल कितना हो जाता है, इंटरवल का ड्यूरेशन है 83 सेकंड। 83 सेकंड इसका जो स्पीड है उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 83 और 70 सेकंड, 83 और 76, ये स्पीड हो जाएगी 83 और 76। अब क्योंकि वो सेम दिशा में जा रहे हैं, सेम दिशा में जा रहे हैं ना, इसलिए जो उनकी स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है, वो टाइगर की कितनी होगी, टाइगर की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 7, 83 माइनस 77 हो जाएगी, क्योंकि 83 में से 7 टाइगर भी दौड़ रहा है, ये भी दौड़ रहा है, इसकी भी आवाज है, तो 76 है इसकी टोटल आ जाती है, क्योंकि टाइगर की जो स्पीड है वो कितनी है, 7 है टाइगर की। अब हमारे पास स्पीड आ गई है, अब देखिए यहाँ पे कि 83 सेकंड यहाँ पे स्पीड कितनी थी, 83, ये 83 सेकंड है, यहाँ पे 83 स्पीड थी ना, तो 83 है वो स्पीड है, वो रिप्रेजेंट किसको कर रही है, 1195.2 है वो 83 के बराबर, तो 7 के बराबर क्या होगा, 7 रिलेटिव स्पीड है, 7 के बराबर क्या होगा, तो 83 रिप्रेजेंट कर रही है किसको, 1195.2 एक किसको रिप्रेजेंट बाय 83 और इंटू सेवन, तो इसकी गुणा कर दीजिए, 7 × 14 = 35 = 36 + 7 = 63 + 4 = 63 + 3 = 66 और 7 × 7 = 13 13 + 7 = 8। इसको 83 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 83 और यहाँ पे 6 की जगह 0, 6 की जगह फिर 0, फिर 4 और यहाँ पे चला जाएगा 8 × 64, 8 × 3 = 24, 8 × 64 = 66, तो पूरा पूरा भाग हो जाता है, 100.8 है इसका आंसर हो जाएगा, 100.8 किलोमीटर पर आवर है वो क्या होगी, टाइगर की स्पीड हो जाएगी, वो एक्चुअल में टाइगर की स्पीड हो जाएगी, क्योंकि ये जो यूनिट है 76 यूनिट है और 83 यूनिट है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 7 यूनिट, अगर 7 यूनिट का डिफरेंस है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर 83 की वैल्यू है वो ये दी हुई है, ये दी हुई है, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 185 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। टीना गोज टू द मार्केट विद हर सन एंड डॉग। टीना मार्केट में जाती है अपने बच्चे के साथ में और कुत्ते के साथ में। अनफॉर्चुनेटली सी मिसेस हर सन, बच्चा गुम हो जाता है, विच सी रियलाइजेस 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट के बाद में उसको पता चलता है कि बच्चा गायब है। द सन कम्स बैक टुवर्ड्स देयर होम। सन, बच्चा क्या करता है, वो घर की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर देता है, किस स्पीड से, 20 मीटर प्रति मिनट की गति से, और टीना है उसका पीछा करती है 40 मीटर प्रति मिनट की गति से। जो वो डॉग है उनका, डॉग रन्स टू द सन एंड कम बैक टू टीना टू शो हर द डायरेक्शन ऑफ हर सन। कुत्ता है वो बच्चे की तरफ दौड़ता है और वापस आ जाता है, किसकी तरफ, टीना की तरफ, फिर बच्चे की तरफ जाता है, फिर टीना की तरफ आ जाता है, मतलब उसको वो डायरेक्शन बता रहा है। और जो कुत्ता दौड़ रहा है वो क्या, इट कीप्स मूविंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे दौड़ता रहता है, मतलब और किस गति से, वो सन और मदर की बीच में जो दौड़ता है वो 60 मीटर प्रति मिनट की गति से कुत्ता है वो दौड़ता है। और कब तक दौड़ता है, टिल टीना मीट्स द सन, जब तक कि टीना है वो बच्चे से मुलाकात नहीं हो जाती। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डॉग इन द डायरेक्शन ऑफ द सन, कि जो बच्चा दौड़ रहा है उस दिशा में कुत्ता कितना दौड़ा। दोबारा क्वेश्चन देखिए, मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है कि बच्चा दौड़ रहा है, सन है यहाँ पे, ठीक है, बच्चा गुम हुआ और यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, बच्चा घर की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर देता है 20 मीटर प्रति मिनट की गति से। यहाँ पे क्या है कि वो टीना, अब बच्चा भी दौड़ रहा है, टीना भी दौड़ना स्टार्ट करती है, टीना है, टीना दौड़ रही है यहाँ पे ऐसे, और किस गति से, 40 मीटर प्रति मिनट की गति से टीना दौड़ रही है, 40 मीटर प्रति मिनट की गति से।
और कब तक, कब पता चला ये डिस्टेंस कितना है? जब दौड़ना कब स्टार्ट किया? जब वो 20 मिनट के बाद है, मतलब कि 400 मीटर की डिस्टेंस थी, 400 मीटर की डिस्टेंस है कब, जब टीना ने दौड़ना स्टार्ट किया। तो 400 मीटर का डिस्टेंस है, टीना दौड़े 40 मीटर प्रति मिनट की गति से, और बच्चा दौड़ रहा है घर की तरफ 20 मीटर प्रति मिनट की गति से, प्रति मिनट की गति से। अब इसके पास कुत्ता है, कुत्ता क्या है कि डायरेक्शन देखता है और बच्चे की तरफ दौड़ता है और वापस आ जाता है, फिर बच्चे की तरफ दौड़ता है वापस आ जाता है। हमें बताना है कि जो बच्चे की तरफ डायरेक्शन इन द सन, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द डॉग इन द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ सन, बच्चा ये कुत्ता कितना दौड़ा ये हमें बताना है, और इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ सन, इसका आंसर देना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। आप इसको करने की कोशिश करें, एक बार जरूर वीडियो को पॉज करके या अपना अपना दिमाग लगाइए कि इसको कैसे करना है। अब सबसे पहले पहला इंसिडेंट देखिए, इसमें कुत्ता दौड़ता है 400 मीटर की जो डिस्टेंस है इसके दौरान में, तो इसकी स्पीड है कुत्ते की तो 60 किलोमीटर है, और बच्चे की कितनी है 20, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 60 माइनस 20, 40 हो जाएगी। तो 400 मीटर है उसकी डिस्टेंस को 40 के हिसाब से उसने कितने 10 मिनट में क्रॉस कर दिया, कुत्ते ने कितना क्रॉस कर दिया 10 मिनट के हिसाब से उसने पूरा क्रॉस कर दिया। तो 10 मिनट में उसने कितनी ट्रेवल है की 60 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से उसने 10 को कितने समय में कितने दूरी तय की 600 मीटर है उसने तय की। तो पहली तो आ जाएगी उसकी कि 600 मीटर है उसने वो तय कर ली। अब वो वापस आता है, अब वो वापस आता है, दूसरे केस में क्या है कि वापस आ रहा है। अब इधर से क्या है कि जो ये 40 मीटर है ये गति भी है, और उधर से 60 मीटर है वो गति भी है, लेकिन 10 मिनट में वो टीना भी तो दौड़ी थी, फिर 10 मिनट के दौरान वो टीना भी दौड़ी थी, और 10 मिनट में टीना कितना दौड़ रही होगी? देखिए 400 माइनस 40 इंटू 20, 20 और 40 का माइनस क्यों किया, 40 टीना की स्पीड और 20 बच्चे की स्पीड, और 10 मिनट के अंदर तो 20 और इंटू 10 कितना हुआ 200, तो टीना भी तो 200 क्रॉस कर चुकी है, 400 माइनस 200 कितना हुआ, अब 200 मीटर की डिस्टेंस रह गई है। जब कुत्ता अब वापस मुड़ता है ना, तो इसका मतलब 200 मीटर की डिस्टेंस है टीना और कुत्ते के बीच में है। वापस मुड़ता है कुत्ता तो टीना और कुत्ते के बीच में डिस्टेंस कितनी अब है 200। अब इस 200 को अगर मैं इसका ए पार्ट ये करूं तो बी पार्ट क्या हो जाएगा, बी पार्ट ये हो जाएगा 200 को कवर करने के लिए रिलेटिव स्पीड कितनी है 40 टीना के इस साइड में और 60 कुत्ते के, तो 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 100। तो इसका मतलब 2 मिनट में, 2 मिनट में वो टीना के पास पहुंच जाता है, 2 मिनट में टीना के पास पहुंच जाता है, और उस दौरान टीना भी तो चली रही थी, टीना भी तो चल रही, ऐसा थोड़ी है कि टीना रुक गई है, तो टीना भी चल रही थी। तो टीना ने कितना ट्रेवल कर लिया होगा, टीना ने कितना ट्रेवल कर लिया होगा 2 मिनट में, डिस्टेंस है वो टीना और बच्चे के बीच में कितनी होगी? अब देखिए 200 तो पहले थी, अब 40 माइनस 20 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, 160 रह जाएगी। जब कुत्ता टीना के पास पहुंचा, जब कुत्ता टीना के पास पहुंचा तो 160 मीटर की डिस्टेंस है किसके बीच में, कुत्ते के बीच में और ये टीना और बच्चे के बीच में 160 मीटर की डिस्टेंस है। आप साथ साथ समझते जाइए। अब आता है कि वापस अब बच्चा के तरफ जाता है, अब ये पहला था, अब दूसरा केस आ जाता है, अब कुत्ता वापस जाता है बच्चे की तरफ, अब कुत्ता वापस जाता है बच्चे की तरफ, अब डिस्टेंस कितना है 160, अब 160 है, अब 40 तो कुत्ता दौड़ रहा है 60 और बच्चा दौड़ रहा है 20, तो इसका मतलब क्या है कि 4 मिनट में वो बच्चे के पास पहुंच जाएगा, 4 मिनट में बच्चे के पास पहुंच जाएगा। तो 4 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की होगी, 40 चार इंटू 60 कितना हुआ 240, 4 × 60 कितना हुआ 240 मीटर है वो उसने तय की है, वो उसने तय की है कितनी 240 मीटर। तो आप पहले तो ये निशान लगा दीजिए कि जो कुत्ता दौड़ रहा था ना बच्चे की तरफ, एक तो ये थी दूरी कुत्ता दौड़ रहा था, अब बच्चे की तरफ कुत्ता दूसरे दौड़ रहा था ये दूरी थी। अब क्या है कि वापस अब इस दौरान टीना और बच्चे के बीच में, टीना और बच्चे के बीच में दूरी कितनी होगी? तो टीना और बच्चे के बीच में आप यहां पे लगा दीजिए, यहां पे आप ए रख सकते हैं दोबारा, टीना और बच्चे के बीच में 4 मिनट के बाद में दूरी कितनी होगी? तो 4 मिनट के बाद में कितनी होगी, देखो 160 पहले थी, अब 40 माइनस 20, 40 क्यों किया, 40 है टीना की 20 है बच्चे की, और 4 मिनट में तो 20 तो 80, 160 में से 80 का कितना 80 मीटर की दूरी रह गई है।
कुत्ता कहाँ है, कुत्ता अब उसके पास में बच्चे के पास पहुंचा हुआ है, और टीना और बच्चे की दूरी है अब 80 रह चुकी है, और इसका मतलब तो हुआ इस 80 मीटर को अब कुत्ता वापस आ रहा है, कुत्ता इस साइड आएगा टीना की तरफ में, अब 80 मीटर को ट्रेवल करना है, तो 80 मीटर को कितना समय लगेगा, 60 तो है कुत्ते की और 40 है टीना की, तो 60 और 40 कितना हुआ 100, कितना हो जाएगा 80 बटे में 100, 0.8 0.8 है वो मिनट लगा। अब इस 0.8 मिनट में जो डिस्टेंस है, 0.8 मिनट में जो डिस्टेंस है बच्चे की, वो कितनी रह जाएगी, वो रह जाएगी 80 माइनस 40 माइनस 20 इंटू 0.8, तो ये हो जाएगा 64। अब 64 जब वो कुत्ता उसके पास पहुंचा, किसके पास में, टीना के पास में, तो कुत्ते टीना और बच्चे की जो डिस्टेंस है वो 64 रह गई है, कुत्ते और उसकी कितनी रह गई है 64 रह गई है। अब ये 64 किसके बीच में है, उस साइल के बीच में और टीना के बीच में, टीना के बीच में। अब कुत्ता वापस चलता है, टीना के पास पहुंचा, कुत्ता वापस चलता है, हमें कौन सी दूरी याद करनी है जो कुत्ता टीना से इसकी तरफ जा रहा है, बच्चे को पकड़ने वाली जा रहा है ना, वो दूरी याद करनी है, ठीक है। तो अब कितने हो जाएगी 64, तो ये थी, और रिलेटिव स्पीड क्या है 60 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 40, 60 बाय 40 हो जाएगा 8 बटे में 5, 60 बाय 40 हो जाएगा 8 बटे में 5, ठीक है। 8 बटे 5 मिनट में बच्चे के पास वो दोबारा पहुंच गया, 8 बटे 5 मिनट में बच्चे के पास में दोबारा पहुंच गया। अब डिस्टेंस किसने उसने तय की, डिस्टेंस कितनी तय की, डिस्टेंस की उसने वो की 60 की गति से चल रहा, 8 बटे 5 में कितना चला 12/96, 96 मीटर है वो अब चला। पहले राउंड में कितना चला था, पहले में चला था देखो वो 600 चला था, फिर कितना चला 240, यहां पे 240 है, और फिर 96, 600, 240 और 96, इस रेशियो में जा रहा है, इस रेशियो में जा रहा है, ठीक है। मतलब कि ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि कुत्ता है वो बच्चे की तरफ है ना, वो कितना टोटल चला, तो तीन राउंड में तो इतना चला, और हर राउंड में कितना कम हो रहा है, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो रहा है, जीपी बन गया, ये जीपी बन गया, कि मतलब इसका 2/5 बन रहा है ना, ये 600 का 2/5 कितना हुआ 12/5 60 240 हुआ, इसका 2/5 कितना हुआ इंटू 2/5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 520 और 5/40 96, तो इसका आगे 2/5 होगा, फिर आगे उसका 2/5 होगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन जाएगी। इस तरह जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनती है, ये क्वेश्चन की वैरायटी थोड़ा नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर वैरायटी नोट कर अगर आपको पता हो ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ दो चीज निकालने की जरूरत है, दो यहां तक निकालते हैं और आगे क्वेश्चन कर सकते थे, वरना क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा लंबा एग्जाम में करना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर आपने पहले किया और आपके पास टाइम है 2-3 मिनट का एग्जाम में, तो फिर आप इस वैरायटी को हाथ लगाना चाहिए, वरना हाथ नहीं लगाना चाहिए। अब आ जाता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन गए, तो क्या होता है सम ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, सम ऑफ जीपी का क्या हो जाता है, वो होता है a बाय 1 माइनस r, और a क्या है इनिशियल, इनिशियल कितना है 600, और रेशियो क्या है 2/5 और इनिशियल क्या था 600, तो 600 इंटू 3/5 ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो 1000 है वो मीटर, 1000 मीटर कुत्ते ने बच्चे की दिशा में टोटल डिस्टेंस है वो ट्रेवल की, तो ये था इसका आंसर 1000, तो क्या हुआ ये हो जाएगा इसका डी आंसर हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, अजय एंड बलराम सेट आउट एट द सेम टाइम टू वॉक टुवर्ड्स ईच अदर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम आगरा एंड बनारस 144 किलोमीटर अपार्ट, क्या है यहां पे अजय है और यहां पे क्या है बलराम है, यहां पे क्या है बलराम है, 144 किलोमीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है 144 किलोमीटर। अजय वॉक्स एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, अजय है इसकी तरफ जाता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, जबकि बलराम है वो 4 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, पहले घंटे में 4 किलोमीटर जाता है, दूसरे घंटे में 5 किलोमीटर जाता है, फिर 6 किलोमीटर जाता है, फिर 7 किलोमीटर जाता है, ऐसे करके चलता है, ऐसे करके वो चलता है, मतलब कि एक एक बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है, ऐसे करके वो चल रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें दोनों की रिलेटिव स्पीड, पहले घंटे में कितनी थी ये 8 चला और ये 4 चला, ये वाला 4 चला ये 8 चला, दूसरे घंटे में कितनी 8 और ये 5 चला, तीसरे घंटे में कितनी ये 8 और ये 6 चला,
और ये क्या है 8+7 चला, ऐसे करके ये चलते हैं। तो 12, 13, 14, 15 इस तरह से करके ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गए। सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो कैसे होगा, टोटल 144 करवाना है तो n बाई टू, फॉर्मूला क्या होता है n बाई टू, 2a और प्लस n माइनस 1d, ये आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ये सम के लिए फॉर्मूला होता है, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहली n क्या है, नंबर ऑफ टर्म आ जाएगी, पहली संख्या क्या है 2a, तो ये कितनी थी 12 थी, तो 12 × 24 यहाँ पे लिख लीजिए 144 और 2 से करेंगे तो 288 लिख देता हूँ, 288 और यहाँ पे n है और ये क्या है, ये है 24 आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि a की वैल्यू हमने 12 ली है तो 12 × 24 आ जाएगी, प्लस n माइनस 1 और d क्या है डिफरेंस है, जो कि वैल्यू है 1, जो कि वैल्यू कितनी है 1। तो अब ये 288 आ जाएगा इस साइड में, इज इक्वल टू 24n आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, इसको आप हटा भी सकते हैं क्योंकि 1 से गुना करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, n स्क्वायर और माइनस है वो 1 का, इसे करेंगे तो n हो जाएगा, ये आ जाता है 24n है ना, 24n है ये, 244 नहीं है, n है, ठीक है, 24n प्लस n स्क्वायर माइनस n, दूसरे शब्दों में ये इक्वेशन बन गई है n स्क्वायर प्लस 23n और माइनस 288 इज इक्वल टू 0, ये बन गई है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आगे, 32 और 9, 32 और 9 × 18 = 27, 28, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस में 32n माइनस 9n माइनस 288 इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस x जो आखिरी में आएगा वैल्यू, वो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो या n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 9 आ जाएगी, क्योंकि ये तो प्लस है ना, तो माइनस करेंगे मतलब कि n माइनस 9 करेंगे, एक n माइनस n प्लस 32 आएगा, तो 32 तो हो नहीं सकता माइनस वैल्यू, तो कितनी होगी 9 होगा, कुल मिलाकर इसको सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू 9 निकलती है, 9 टर्म है, तो 9 टर्म का मतलब क्या हुआ कि 9 टर्म का मतलब क्या हुआ कि 8 × 9, ये स्टार्टिंग में टोटल आंसर कितना आया 9 घंटे आए, तो 8 किलोमीटर की गति से जा रहा है पहला बंदा, 8 किलोमीटर गति से जा रहा है ना ये, तो 9 घंटे में कितना हुआ 8 × 9 72, 8 × 9 72, मिड पॉइंट में आ गया, ये क्या है कि मिड पॉइंट आ गया, पूछा है कि वो कहां मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या है मिड पॉइंट में मिलेंगे, क्योंकि ये 72 तो ये है और यहां पे भी क्या है कि बाकी डिस्टेंस बचेगी, वो कितना 144 में 72 गए, 72 बच गई, तो मिड पॉइंट बिटवीन आगरा एंड बनारस है, वहां पे उनकी मुलाकात होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा सी इसका आंसर होगा। यहाँ पे हमने क्या लगाया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगाया, तो इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 देखिए क्या है क्वेश्चन, सलमान एंड पुलकित स्टार्टेड फ्रॉम अजमेर एंड बीकानेर फॉर बीकानेर एंड अजमेर रेस्पेक्टिवली विच आर 645 किलोमीटर अपार्ट, क्या दिया हुआ है कि अजमेर और बीकानेर के बीच की दूरी है, अजमेर और बीकानेर, बीकानेर उनके बीच की दूरी दी है 645, सलमान स्टार्ट होता है यहाँ से और पुलकित यहाँ से स्टार्ट होता है, ये एक दूसरे की तरफ चलते हैं और 15 घंटे के बाद में वो मुलाकात होती है इनकी, 15 घंटे के बाद में उनकी मुलाकात होती है, मतलब 645 और 15 घंटे में क्या स्पीड है, रिलेटिव स्पीड दोनों को मिला दी जाए 15 × 60 15 × 45 43 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों की स्पीड मिल जाएगी ना तो 43 बन रही है। आफ्टर मीटिंग सलमान इंक्रीज हिज स्पीड बाय 3 किलोमीटर पर आवर एंड पुलकित रिड्यूस हिज स्पीड बाय 3 किलोमीटर पर आवर, दे अराइव्ड बीकानेर एंड अजमेर रेस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम, कि एक बंदे ने 3 की स्पीड बढ़ाई, दूसरे ने क्या है कि 3 की स्पीड है वो कम कर ली, एक ने 3 की स्पीड बढ़ाई, दूसरे ने 3 की स्पीड है वो कम कर ली, मतलब कि वो स्पीड है वो एक्सचेंज कर रहे हैं, वो स्पीड क्या है कि वो एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए वो सेम टाइम पे पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। तो आप बोल सकते हैं कि एक्स प्लस में एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 43 और 2x है उसकी वैल्यू 40 और x की वैल्यू क्या है 20 होगी, तो इसका मतलब क्या है एक की स्पीड 20 है दूसरे की 23 है, एक की स्पीड 20 है तो दूसरे की 23 है, तो यहां पे क्या है कि जो एक की कम हो जाएगी और दूसरे की ज्यादा हो जाएगी, एक अगर 23 हो जाएगी इसकी दूसरे की 20 हो जाएगी, तो वो एक किस्म से स्पीड एक्सचेंज कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा, एक बार अपने हिसाब से करके देखिए इसको ताकि मुद्दा समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए 188 आपकी स्क्रीन पे आ गया है,
क्वेश्चन देखिए आगे क्या दिया हुआ है। ए एंड बी आर टू फेमस सिटी 300 किलोमीटर अपार्ट, कि ए और बी दो सिटी हैं, फेमस सिटी हैं, 300 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं। मनोज स्टार्ट फ्रॉम ए एट 8:24 पे मनोज स्टार्ट करता है। यहाँ पे कौन स्टार्ट करता है? मनोज करता है कितने बजे? वो करता है 8:24 पे। उसके एक घंटे के बाद में पंकज स्टार्ट करता है ए से ही। पंकज करेगा एक घंटे बाद, पंकज है एक घंटे के बाद में करेगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। और पंकज रीचेज सी दैट मनोज हैड पास्ट 40 मिनट्स अर्लिया, कि पंकज सी पॉइंट पे पहुंचेगा जो कि मनोज ने 40 मिनट पहले ही कवर कर लिया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सी फॉल्स ऑन द वे फ्रॉम ए टू सी, और सी है यहीं बीच में होगा, ऐसा नहीं किसी और पॉइंट पे चले गए हो, ठीक है। पंकज एंड मनोज जस्ट रीचेज बी एट द सेम टाइम। अब मनोज और पंकज दोनों बी बिंदु पे सेम समय पे पहुंचते हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ मनोज एंड पंकज रिस्पेक्टिवली, कि दोनों की जो स्पीड है मनोज और पंकज की वो क्या होगी? इन दोनों की हमें स्पीड बतानी है, मनोज और पंकज की। तो देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, इस पॉइंट की सिग्निफिकेंस है, इस पॉइंट की, और एक घंटे पहले स्टार्ट किया। तो अगर ये एक घंटे में इस पॉइंट पे पहुंचता है, ये मान लो सी पॉइंट है, पंकज यहाँ पे एक घंटे में पहुंचता है, पंकज एक घंटे में पहुंचता है, तो वो क्या किया उसने, क्या है कि बी ने किसने, मनोज ने, मनोज पहले एक घंटे चल चुका था, तो एक घंटे तो वो पहले चल चुका था, और उसके बाद में पहले चल चुका, फिर ये पंकज चला तो एक घंटे वो और चला, पंकज चला देखो एक घंटे तो पहले चल चुका था, फिर पंकज ने चलना स्टार्ट किया तो उसने भी एक घंटे चलना स्टार्ट किया। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचता है सी पे, तो वो क्या है कि उस पॉइंट को पहले ही क्रॉस कर चुका था, कितना, 40 मिनट पहले क्रॉस कर चुका था, ये इसका मतलब है। तो देखिए यहाँ पे अगर वो 60 मिनट में जितना तय किया है उसने, यहाँ पे जो 60 मिनट में चला है, ठीक है, तो वो क्या है उस पॉइंट को कितने समय में चला है, अगर ये 60 मिनट में चला है तो उस पॉइंट को वो दो घंटे में से 40 मिनट माइनस करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 80 मिनट, 120 में से 40 माइनस करेंगे 80 मिनट। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि यहाँ पे 60 मिनट में पहुंचा था सी पॉइंट पे, वो मनोज है 80 मिनट में पहुंचा है, मनोज है 80 मिनट में पहुंचा है, तो रेशियो क्या इनकी स्पीड का, वो हो जाएगा 80 और 60, मतलब कि 4:3 है उनकी स्पीड का रेशियो है, 4:3 है स्पीड का रेशियो है, और सेम टाइम पे पहुंचते हैं। और पंकज एक घंटे बाद में चला है। तो क्या 300 मीटर की दूरी है वो अगर एक 3x और दूसरा के 4x में तय करते हैं, ये क्या स्पीड है, एक 4x में एक 3x में, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, एक घंटा है, क्योंकि पंकज है वो एक घंटा बाद में चला है, मतलब कि मनोज पहले चल चुका है और मनोज की स्पीड कम है, पंकज की ज्यादा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना, हम क्या वैल्यू पुट करें एक्स की जिससे कि एक यहाँ पे आ जाए, अगर मैं एक्स की वैल्यू 25 कर दिया तो 25 100, यहाँ पे 3 आएगा, 25 75, यहाँ पे 4 में 3 का 1, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं वरना सोल्व कर सकते हैं हम। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, 25 100, इसकी जो पंकज की स्पीड है वो तो आ गई 100 और इसकी आ जाएगी 75, पंकज की 100 और इसकी 75, तभी तो वो पंकज है वो एक घंटे बाद में भी चलता है, तो 25 मनोज है एक घंटे पहले चलता है, तो उसने क्या किया कि उसने 25 किलोमीटर तो तय कर लिया, ठीक है ना, और 75 और वो कर रहा है, तो इस तरह से वो 25 नहीं 75 उसने कर लिया, 75 तय कर लिया उसने, और बाकी जो 360 में 75 माइनस करेंगे वो बाद में वो तय करता है, जबकि पंकज है वो क्या है कि 3 घंटे में पूरी दूरी तय कर देता है, 100 की गति से 3 घंटे में 300 किलोमीटर कर देता है, वो 75 की गति से 4 घंटे में 300 दूरी तय करता है, ये मतलब है इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, एक कुत्ता है और एक बिल्ली है, दो सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक ये है, एक सर्कुलर ट्रैक ये है, सेम डायमीटर की ट्रैक है, कुत्ता है वो 3 स्टेप चलता है तो बिल्ली 5 स्टेप चलती है सेम टाइम में, और डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है अगर 5 स्टेप में जितना कुत्ता करता है वो बिल्ली 4 स्टेप में कर देती है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ राउंड दैट डॉग मेड व्हेन कैट कंप्लीटेड 100 राउंड, कि कैट 100 राउंड कंप्लीट करती है तो डॉग है वो कितने राउंड कंप्लीट करेगा, क्या है कि कितने राउंड कंप्लीट करेगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ राउंड दैट डॉग मेड व्हेन कैट कंप्लीटेड 100 राउंड्स। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है, यहां पे पहली लाइन देखिए, डॉग
एक्चुअल में डॉग क्या है कि तीन स्टेप लेता है तो बिल्ली पांच स्टेप ले रही है, और डॉग पांच स्टेप चलता है तो बिल्ली चार उस कवर को दूरी को चार में कवर कर रही है, ठीक है। तो पांच स्टेप में यहां पे ले लूं, अगर 20 की दूरी है, अगर 20 यूनिट है कोई चीज दूर है, अगर वो पांच स्टेप, डॉग का स्टेप है पांच, पांच स्टेप तो कितनी दूरी तय हुई, उसमें से चार यूनिट, एक स्टेप में कितनी दूरी तय हुई, चार यूनिट तय हुई। और यहां पे क्या है कि वो चार स्टेप में कंप्लीट कर देती है, तो एक स्टेप में कितनी एफिशिएंसी हुई उसकी, पांच यूनिट की एफिशिएंसी हुई। तो वो जो चलने की गति है एक स्टेप की, वो बिल कैट की पांच है, तो कितनी है डॉग की, चार है। पांच और चार रिवर्स हो जाता है ना, पांच और चार की एफिशिएंसी हो, क्यों, पांच स्टेप में वो 20 चलता है, सेम दूरी तय होती है, तो चार स्टेप में वो 20 चलती है, तो दोनों की एफिशिएंसी है वो मतलब पांच और चार की हो जाएगी। पांच इसकी एक यूनिट, एक स्टेप की वैल्यू पांच है, तो उसकी कितनी हो जाएगी, चार यूनिट है। हम इसको इस रूप में भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अब देखिए, डॉग यहाँ पे लगा लीजिए और कैट है यहाँ पे लगा लीजिए, कैट है यहाँ पे लगा लेंगे। अब डॉग के नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं, डॉग के नंबर ऑफ स्टेप तीन है, और एक स्टेप की वैल्यू कितनी थी, चार यूनिट। तो अगर 12 यूनिट ट्रेवल हुआ है या उसका, या 12 राउंड लगे हैं, तो उसके कितने लग रहे हैं, उसके उसके एक स्टेप की वैल्यू थी पांच, एक स्टेप की वैल्यू थी पांच यूनिट, और स्टेप कितने हैं, टोटल पांच स्टेप चलते हैं उस समय में, तो कितना हुआ, 25। इसका मतलब क्या हुआ, 25 यूनिट अगर ये चल रहा है या 25 राउंड लगा रहा है, तो वो 12 राउंड लगाएगा या 12 यूनिट चलेगा। अगर ये 100 लगा रहा है, बिल्ली कितनी लगा रही है, 100 लगा रही है, यहाँ पे 100 लिया हुआ है, तो ये कितना चलेगा, 48 राउंड है उसके लगाएंगे डॉग के, अगर उसके 100 लग रहे हैं तो। क्वेश्चन 189 का आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 190 क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। क्या दिया हुआ है कि कैंडल ऑफ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग बर्न्स एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन 5 आवर। एक कैंडल है जो 6 सेंटीमीटर लंबी है और वो जलती है तो 5 सेंटीमीटर 5 घंटे में जलती है, और दूसरी कैंडल है 8 सेंटीमीटर लंबी है, जलती है तो 6 सेंटीमीटर 4 घंटे में जल जाती है। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच कैंडल टू रिमेन ऑफ इक्वल लेंथ आफ्टर बर्निंग फॉर सम आवर्स। कि कुछ घंटे तक जली वो और बच गया क्या, कि दोनों की लंबाई बच गई, वो बराबर है, जो दोनों की बची है ना वो लंबाई बराबर है। व्हेन दे स्टार्ट टू बर्न, जबकि उन्होंने जलना स्टार्ट किया था एक साथ में, यूनिफॉर्म गति से उन्होंने, यूनिफॉर्म रेट ऑफ बर्निंग है उनकी थी, तो बताओ कि कितना टाइम है वो लिया जब वो बराबर की बच जाएंगी। तो देखिए इसकी क्या गति है जलने की, 5 सेंटीमीटर है 5 घंटे में, तो एक घंटे में कितना, 1 सेंटीमीटर, एक घंटे में कितना, 1 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर 4 घंटे में, 6 सेंटीमीटर 4 घंटे में, तो एक घंटे में कितना हुआ वो 1.2 सेंटीमीटर पर आवर, ये गति से वो दोनों जल रही है। अब देखिए 6 घंटे मान लो टाइम लगता है उनको, टाइम कितना लगता है, एक्स आवर्स लगते हैं, टाइम एक्स, टाइम रिक्वायर्ड, टाइम कितना रिक्वायर्ड जो पूछा गया है वो एक्स आवर है, तो 6 घंटे 6 सेंटीमीटर की टोटल है, 6 सेंटीमीटर टोटल लंबाई है, और एक्स आवर में इसको जलना है, और एक स्पीड क्या उसकी, एक स्पीड क्या, 1 सेंटीमीटर पर आवर। अब ये बच गई ना, दोनों बराबर होगी, कितनी, 8 में से माइनस करेंगे x into 1.2, मतलब कि टोटल आवर्स जितना जली और पर आवर के हिसाब से गुणा करेंगे इसको, तो जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस बराबर होगा, ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन की। तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 में से 6 गए 2, 8 में से 6 गए 2, और यहां पे आ जाएगा 1.2 से x माइनस करेंगे तो 0.2x आ जाएगा, 1.2x। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें, यहाँ पे क्या है, ये 1.5 होगा, 1.5 होगा, 3/2 है ना, 3/2 1.5 होगा, 1.5 यहाँ पे होगा, तो कितना हो जाएगा, 0.5 होगा यहाँ पे, 0.5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो पूछा क्या है कि कितने आवर के बाद, 4 घंटे के बाद में, आंसर हो जाएगा इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो देख लेना आप। आज की प्रेजेंटेशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ऑल।